न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान चेन्नई में खेला जा रहा है ये मैच, और अफगानिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है, और हम सब सर पकड़ के बैठे हुए थे कि क्यों किया है, क्यों किया है। बट यस यूसुफ, वही बात जो हम टॉस जब हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, यही हमें पता चल रहा है, इट इज़ जस्ट द ड्यू फैक्टर जिसकी वजह से दे डिसाइडेड टू डू दैट। ये तो सुनने से पहले ही मैंने आपसे कह दिया कि ड्यू फैक्टर ही ऐसे करें, और अगर ड्यू नहीं पड़ी तो फिर मुश्किल भी। यू सेड इट बिफोर लिसनिंग टू यस आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिकॉज ऑफ ड्यू दे डिसाइड बॉलिंग सेकंड बैटिंग सेकंड। वेरी गुड अप्रोच एंड वेरी वेल सेड बाय द कैप्टन, एंड इवन द क्वेश्चंस वर वेरी एप्ट, जो जिससे हमें सारी बातें पता चल गईं कि एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड। जी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, आई थिंक इट वाज वेरी प्रोफेशनल फ्रॉम द एंकर एंड आल्सो वेरी वेल स्पोकन बाय अफगानिस्तान कैप्टन। यस द रीजन, उसने बड़ी सिंपल और बड़ी सॉलिड बातें की, क्लैरिटी दिखाई है, एंड आई थिंक दैट एक्चुअली शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ द कैप्टन। आई थिंक समटाइम द लीडरशिप की ये बड़ी क्वालिटी होती है कि यू नो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियरली आप लोगों को बताते हैं। उसने एक लफ्ज कहा कि माइट बी, माइट का इज नॉट श्योर। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगता है कई दफा जब आप माइट बी यू व्हेन यू नॉट श्योर ना, देन यू बिलीव ऑन योर स्ट्रेंथ देन, एंड आई थिंक डोंट रिलाई ऑन द एंड कि जी अगर हो गया हो गया के ऊपर कोई नहीं। देखो ना वेदर फोकस कहता है रेन है, अगर नहीं आई तो फिर क्या होगा। इस इनकी जो स्ट्रेंथ है और न्यूजीलैंड की जो स्ट्रेंथ है ना, न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ जो है वो है बॉलिंग और फील्डिंग। अब वो रन्स तो करते हैं, ये अच्छे प्लेयर हैं, मगर जब इन्होंने 200 प्लस भी कर लिए ना इनके खिलाफ तो ये पकड़ लेंगे, क्योंकि अपनी बॉलिंग की वजह से अपनी फील्डिंग की वजह से ये पकड़ लेंगे। अफगानिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो स्पिनर्स है और बॉलिंग है। अब इनको चाहिए था कि बैटिंग करके पिच लग रही फ्लैट लग रही है टू बी ऑनेस्ट, इसके ऊपर अगर ये 200-250 करके अगर राशिद को नबी को और ये जितने भी इनके स्पिनर हैं उनको डालते इसके पिच के ऊपर, हाँ ड्यू फैक्टर ना हो माइट बी देन दे हैव मोर चांस टू डिफेंड द टोटल। सही, एक कैच भी हमने भी देखा कि ड्रॉप कर दिया, और एक आसान कैच हशमत की जानिब गया फर्स्ट स्लिप में, और ज़बरदस्त जो है उनके जो बॉलिंग अटैक है पहले दो ओवर्स बड़े अच्छे किए हैं। मुशीबे ने बात की स्ट्रेंथ की, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर अगर करते हैं तो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कैप्टन नहीं है न्यूजीलैंड के पास। अरे कैप्टन का बहुत बड़ा झटका है, वो बेस्ट प्लेयर है और वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, इवन आज टेस्ट क्रिकेट में, वनडे में, टी20 में बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, टेक्निकल साउंड प्लेयर है। उसका नुकसान हुआ है न्यूजीलैंड को होगा, क्योंकि जिस तरह वो खेलता है पूरी टीम को लेके चलता है, और जिस तरह बात हो रही है माइट बी ड्यू, अगर माइट बी ड्यू थोड़ी सी पड़ गई तो फिर तो बड़ा इजी हो जाएगा इनके लिए, अफगानिस्तान के लिए। लेकिन वो बात वो भी ठीक है कि उनकी बॉलिंग साइड बड़ी एक्सपीरियंस है, फील्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जब बॉल हाथ में ना आ रहा हो ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ी बहुत ड्यू में फिर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा हो गई तो टफ हो सकता है, डिसीजन इनका बेहतर भी हो सकता है। अब तो हो गया हुआ है, अब कुछ हो नहीं सकता, अब तो मैच शुरू। अब इनको पहले तो अपनी जो बॉलिंग है जिसकी वजह से ये ज़्यादा मशहूर हैं अपने तीन स्पिनर्स के साथ, और स्पेशली ये लेफ्ट आर्म पेसर भी इनका अच्छी बॉलिंग करता है, उसी की बॉल पर कैच भी ड्रॉप हुआ है। अगर ये इनको रिस्ट्रिक्ट करें इस पर भी, क्योंकि अभी ड्राई कंडीशन है उस पर ये इनको ज़्यादा रन ना करने दें, 300 प्लस ना करने दें, ताकि वो इनको अच्छे तरीके से बाद में चेस कर सके। तो वो पहले तो अपनी बॉलिंग पे फोकस करें, अब जो डिसीजन लिया है उसको कैपिटलाइज करें और उनको जल्दी आउट करने की कोशिश करें। जैसे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को आउट किया है, बाद में अर्ली 3 विकेटें भी गिरी हैं तो वो चेस कर गए, थोड़ा थोड़ा बॉल गीला भी हो रहा था, वो इंडियंस खेले भी बहुत अच्छा, ये सारी चीजें मिल के फिर कोई अच्छी टीम चेस कर पाती है, कैच पकड़ना होंगे। हाँ, वो बॉलर्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, वो ग्रैब करना होगा। अब साउथ अफगानिस्तान ने एक कैच तो ड्रॉप कर दिया है, अब चेस करते हुए ये किस तरह की बैटिंग करते हैं, क्योंकि इनके पास इंडिया जैसी बैटिंग नहीं है, वो भी जेहन में रखना है। इनका गुरबाज बहुत मेन प्लेयर होगा, अगर ऊपर से वो इन पे अटैक करता है जो कि जिस तरह की वो क्रिकेट खेलता है वो आप ऊपर से इजी कर देता है नीचे वाले प्लेयर्स को, तो वो इस तरह की अगर इनिंग खेल गया तो न्यूजीलैंड के लिए भी मुश्किल हो सकती है। तो नज़र आ रहा है कि बड़ा अच्छा मैच होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस के साथ आई हुई है अफगानिस्तान, वर्ल्ड चैम्पियन को जीत के आई हुई है, गो के मुझे अपसेट ही लगता है, लेकिन फिर भी इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई। एक सवाल इससे पहले आप सवाल करें, यूसुफ भाई के वाले से एक ऑब्जर्वेशन है मेरे मुश्ताक भाई, आप भी ऐड कीजिएगा। ये जब हमारा लेजेंड्स का स्कोर कार्ड आता है, जब यहाँ पे प्रेडिक्शन करते हैं कि और टीम चूज़ करते हैं, अपने जो इनके ट्विटर हैंडल है वहाँ पे किसी और टीम का अनाउंस कर देते हैं, ये क्या सिलसिला चल रहा है? वहाँ तो ये हो रहा है ये कि अपना अपसेट चल रहा होता है। हाँ
तो यहाँ पे भी अपसेट करवाया ना आउट ऑफ द बॉक्स है। को आप कैसे, यूसुफ पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है, ही इज वेरी स्मार्ट मैन, ही प्लेज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इन हियर ही अडैप्ट दिस कंडीशन वेरी क्विकली एंड ही नोज यू नो हाउ टू विन हियर एंड व्हेन ही गोज टू ट्विटर एंड देन ही नोज हाउ टू ब्रिंग द फैंस into his engagement. Yeah, he knows, he's smart guy. सवाल तो करें ना, he's a very smart man. question मेरे से करें ना, मुझे मेरे से करें ना. वो observation. और ये बड़े smart है यूसुफ भाई, he plays very smartly. देखिए जिस तरह का batsman smart है, ऐसे ज़हनी तौर पे बड़ी smart है. Sometimes he takes Mickey out of you and he never lets you know. You know, this is the kind of thing, you know, like he does that. अब आपको जवाब देंगे? ये बड़ी high level English बोली इन्होंने. आपके I'll just pass. Yeah. हम बिल्कुल बात कर रहे हैं उस ओवर की कि जहाँ पे कैच ड्रॉप हुआ, मगर वो ओवर मेडन गया, मे बी वही इसी वजह से चांस भी निकला था कैच का, जिसको बॉलिंग ने जिसको फील्डिंग ने कैपिटलाइज नहीं किया, बट इट वॉज अ मेडन ओवर बाय फजल हक फारूकी और वी आर बैंकिंग ऑन देयर स्पिन, मे बी द फास्ट बोलर्स, वो कहते हैं ना तैयारी किसी और की होती है मगर रिजल्ट कहीं और से आ जाता है, आउट ऑफ सिलेबस आ जाता। अच्छा इसमें पता क्या है, जो बड़ी टीमें होती है ना, जैसे न्यूजीलैंड है, जिनको खेलना जिनको गुर आता है जीतने का, जब ये चेज कर रहे होते हैं ना, चेजिंग में स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कमिंग बैक टू यूसुफ पॉइंट इज मेकिंग हेल ऑफ सेंस हियर, कि ड्यू फैक्टर अगर माइट बी, मेरा अपना ये मानना है इस वक्त जो मॉडर्न टेक्निक आई हुई है पूरी दुनिया में और आईसीसी का ये वर्ल्ड रैंकिंग मतलब वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट, बहुत स्प्रे करते हैं बहुत, आपने पूरे वर्ल्ड कप में देखा अभी तक ड्यू फैक्टर का हुआ है, ठंड भी थी कल हमारी यहाँ पे धर्मशाला में, आपने देखा बॉल गीला इतना नहीं हो रहा, यू नो स्पिनर ने दो विकेट ली हैं, दो उनके स्पिनर ने आउट किए हैं, तो आई थिंक ये जो ड्यू फैक्टर का माइट भी है ना, यहाँ पे मेरा ख्याल थोड़ा सा मिसकलेक्शन हुई है, मिसअंडरस्टैंड कर गए अपनी स्ट्रेंथ को अफगानिस्तान। इसकी रीजन पता है कि जब आप यूसुफ से पूछे, जब ये बैटिंग फर्स्ट कर रहा होता है ना और दुनिया का बेस्ट स्पिनर शेन वॉन भी खेला है इसने, सब दुनिया के स्पिनर को खेला है, तब इसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, बोर्ड का प्रेशर नहीं होगा। अब इसको पता है कि एक दो ओवर चले भी गए मैं लूट लूंगा, पीछे पकड़ लूंगा, उसको विकेट नहीं देनी, फला नहीं, प्रेशर नहीं होता आपके ऊपर। जब आप चेज कर रहे होते हैं ना, इवन ड्यू फैक्टर भी होता है, और इनके बॉलर की स्ट्रेंथ जो मैं अभी बताने लगा हूँ आप लोगों को, इनके बॉलर की स्ट्रेंथ है ये बॉल करते हैं विकेट टू विकेट, दे आर नॉट लाइक हैविंग अ वेरिएशन जिस तरह राशिद है या नबी है या ये वाला है क्या नाम मजीब है, ये विकेट टू विकेट इनकी पेस इतनी ज़्यादा होती है कि अगर ड्यू फैक्टर भी होगा ना, विकेट टू विकेट बॉल करने वाले बॉलर्स होते हैं ना, वो ड्यू फैक्टर में थोड़ा बहुत भी हो तो ये दे कैन बिकम मोर इफेक्टिव। सो आई थिंक मुझे ये लगता है ये दे मिस द ट्रिक। ओके लेट्स सी दे मिस द ट्रिक और वेदर दे विल हैव एन अपसेट, वो तो अभी जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा पता चलेगा, बिकॉज अनकंडीशनल, वो कहते हैं ना नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स से ज्यादा आप कंट्रोलेबल फैक्टर्स को देखते हैं, आप अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को देख ही नहीं सकते कि आपने, बारिश हो गई, आपने जो आपने उसका टॉस के ऊपर उसने क्या नाम है उनके कप्तान का शायद नहीं और क्या नाम है न्यूजीलैंड के कप्तान का लैथम का मार्क लैथम ने ये कहा है, कह रहे वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आवर स्ट्रेंथ, ऑन आवर स्ट्रेंथ, यू नो वी आर वर्किंग, दिस इज अ गुड टीम्स गुड प्लेयर्स डू दैट, यू नो वो ही बार बार पूरे प्रोग्राम में एशिया कप से लेके आज तक जितने भी हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, हम यही बार बार कह रहे हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ ओवर द इयर्स, जहाँ पे हमें फेंटी पड़ती थी, जहाँ हमें कामयाबी मिलती थी, व्हेन यू आर रिमेंबरिंग योर स्ट्रेंथ एंड रिमेंबरिंग योर प्रोसेस लॉन्गर देन ऑपोजिशन, यू विल हैव अ बेटर चांस।